तो गाइज आज मैं आपको ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें मार्वल ने मेन एवेंजर्स की रिप्लेसमेंट पर रखा है। नंबर 3, शी हल्क एंड स्कार। गाइज हम सभी ने हल्क को एवेंजर्स 1 में देखा था जिसका हर कोई फैन हो गया, बट एवेंजर्स एंड गेम में हल्क की बैंड बजाने के बाद मार्वल वाले शी हल्क को लेके आए। इतने से भी मन नहीं भरा तो इन्होंने हल्क के बेटे को इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम स्कार है, जो आप देख ही सकते हैं। ये तो टट्टी है। गजब बेइज्जती है। नंबर 2, फैल्कन एज कैप्टन अमेरिका। गाइस भले ही फैल्कन अब कैप्टन अमेरिका बन गया है, बट एज यू नो कैप्टन की जगह लेना इतना आसान भी नहीं है। इसको हजम करने में फैंस को भी टाइम लगने वाला है। नंबर 1 पर जाने से पहले गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, केट बिशप। हॉकाई सीरीज में हम सभी ने देखा कि अब नेक्स्ट हॉकाई का टैग केट बिशप को दे दिया गया है, जो आई थिंक ठीक भी है, बिकॉज हॉकाई में जैसे इन दोनों का तालमेल था वो बहुत ही काबिल तारीफ था। गाइस आपको क्या लगता है, मेन एवेंजर्स ही अच्छे थे या न्यू एवेंजर्स? कमेंट करना ना भूलें।